नमस्कार, खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देसी सवारी के साथ आज खेल हरियाणा का सफ़र आ पहुंचा है टोहाना में। हम आपको बताएंगे कि टोहाना में कौन है वो कबड्डी की खिलाड़ी जिसने पूरे प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया है। मिलाएंगे आपको और जानेंगे आप उस खिलाड़ी की कामयाबी की दास्ता का पूरा सच थोड़ी ही देर में। अगले आधे घंटे में आप मेरे साथ जानेंगे। चलिए रुक करते हैं इस देसी अंदाज में टोहाना की ओर। खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है टोहाना के समेड़ गांव। वैसे तो ये गांव खिलाड़ियों का है, लेकिन यहां पर एक ऐसा खेल है जिसके खिलाड़ियों की तादाद ज्यादा है। इस गांव ने अकेले भारतीय टीम को 7 खिलाड़ी दिए हैं। एक ऐसा खेल जो हरियाणा की संस्कृति में भी रचा बसा है। खेल का नाम है कबड्डी। हम आप पहुंचे हैं टोहाना के समेड़ गांव में और पूरा ग्रामीण परिवेश है। समेड़ एक ऐसा गांव जहां से कबड्डी का खजाना, जहाँ हम कह सकते हैं कबड्डी में इतनी सारी प्रतिभाएं यहाँ छिपी हुई हैं जिसका कोई सानी नहीं है। और ये पूरा ग्रामीण परिवेश एक एक चीज़, एक एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। राम बतेरे की कामयाबी के सफ़र की पूरी दास्तां आपको दिखाएंगे खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। तो आइए राम बतेरे के घर में चलते हैं, जानते हैं कैसे रहती है राम बतेरी और क्या है उनकी कामयाबी का सफर। ये है राम बतेरी का घर। राम बतेरी जो भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा है, वो टीम जिसने वर्ल्ड कप में 2 बार जीत दर्ज की है और दोनों बार बेस्ट रेडर का खिताब राम बतेरी के हिस्से ही आया। गांव में पली बड़ी और गांव में ही रहकर तालीम से लेकर कबड्डी में अपने हुनर को तराशा, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। एक ऐसी खिलाड़ी जिसने 2013 और 2014 में वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रही और बेस्ट रीडर का खिताब उन्हें 2 साल से लगातार मिलता रहा। कामयाबी का सफ़र हम आपको खेल हरियाणा में आज बता रहे हैं राम बतेरी का, और इसी कामयाबी के सफ़र के कुछ पहलुओं को जानते हैं उनके फैमिली मेंबर्स से। हमारे साथ रणबीर जी हैं, उनके चाचा इस वक्त साथ में हैं। रणबीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसा लगता है आपको जब एक ऐसे स्पोर्ट्स, एक ऐसे खेल में जिसको हरियाणा और पंजाब की शान कहा जाता है कबड्डी, और उसमें आपके घर का एक सदस्य जो है प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। घर में किस तरह का माहौल रहता है? माहौल तो जी आपको खड़ा प्यार रह रहे हैं। जी 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 हाँ, घर में पुगता है। अरे अच्छी बात करते हैं, सेवा मनजन हो, बढ़िया गाँव की हो, ऊंचा नाम हो और रोशन। और एक नहीं और एक, एक एक लड़की जब इस तरह का खिताब जीत के लाती है, और एक लड़की के कारण जब एक घर का नाम रोशन होता है, एक प्रदेश का नाम रोशन होता है, बहुत अच्छा होता है। तब अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे लोगों को भाई, सब जो अपनी बेटियों के लिए उनको भी आगे लाए कि बेटियां भी कुछ कर सकती है, लड़कों से कम नहीं? और भी बड़ा अच्छी बात हो, पढ़ाओ लिखाओ जी, उसको आगे भी उस उसका नाम कराना चाहिए को। ऐसी बड़ा कदम और नौकरी भी पानी चाहिए, जो जी जी खेल बड़ा जितनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ मिलना चाहिए आगे नौकरी के लिए। आप आगे और खिलाना चाहेंगे राम पति जी? हाँ खिलाएंगे जी, आगे तक खिलाएंगे। कामयाबी की कहानी में माँ का किरदार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। राम भतेरी की माँ दूसरे माओं की तरह ही खुश हैं और चाहती हैं कि उनकी बेटी आगे खूब बढ़े और खूब खेले। माँ खुश तो है लेकिन नाराजगी, नाराजगी सरकार से। राम बतेरी की माँ प्रकाशु देवी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाशु देवी जी, कैसा लगता है आपको जब आपकी बेटी ने इतना नाम रोशन किया? बढ़िया रोशन नाम कर रहा है आपकी लड़की, सबका नाम सब खिलाओ और उनका नाम कराओ सारा देश का, गांव का। कभी लगा था कि ऐसा कबड्डी में राम बतेरी, कब से दिलचस्पी थी राम बतेरी की कबड्डी में? राम बतेरी जी 10 साल के खिलान लगे थे और उसने खेल लिया जी। कैसे पता चला आपको कि ये कबड्डी में कर सकती है? फिर आपने भी ध्यान दिया, कैसे मालूम चला आपका? मालूम चला जी आपकी लड़की बढ़िया थी, जमा सबसे बढ़िया,
अपने खेल के हम चीज चढ़ गई आगे जाए गई अपना नाट आई जी अपना घर माथा गुजार खाना दिया आपका सबका लड़की सामने सारी खिलाओ सब उनका नाम कराओ आपकी लड़की का। अच्छा क्या चाहती हैं आगे क्या हो जी नौकरी के बारे में अपना साफ नहीं मिला किसी दी आपका नौकरी का काम मिलना चाहिए बतेर ने आगे और उनसे खेलेगी उनसे पढ़ाएगी नाम मेटा दीजिए खेलो आप उनका भी नाम करा रोशन कराइए उसको खिलाना चाहती हैं आगे। हाँ जी खिलाना चाहते हैं कबल भी खेलेगी हम इंडिया टाइस अगले इसका धन मानना इतना खेलेगी जी। सरकार से क्या कहना चाहती है आप कि सरकार ने नौकरी देनी चाहिए इस तरह या कमाजी नौकरी देनी चाहिए। आपने सरकार से गुजारिश की सरकार को चिट्ठी लिखी है कई बार लिख कर दे दीजिए लेकिन कोई जवाब ना कोई जवाब नहीं दिया ना कोई पाया जी। दो बार ये बेचारे खिलाने लग रहे हराज भी अड़े के खिलाने लग गया था इनका कोर्स है दूसरा ये कोई सभा नहीं मिली इस जी बतेरा जोर ला रहे बेचारा। छोटा सा आशियाना लेकिन राम भतेरी के सपने उतने ही बड़े। सपनों की उड़ान कहां तक पहुंची है राम भतेरी की इसका अंदाजा आप जीत की निशानियों को देखकर लगा सकते हैं लेकिन कुछ अड़चने हैं जो राम भतेरी और उनके सपनों के बीच फासले को बढ़ा रही हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स मेरे साथ हैं पंजाब में भी एमएचओ कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हरियाणा स्टेट सर्कल कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा स्टेट सर्कल कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा स्टेट वुमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2010। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है कि एक पेपर कटिंग यहाँ सामने रखी हुई है जिसमें ये दावा किया गया या हम कह सकते हैं एक वादा किया गया कि समेण की राम भतेरी को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये जो टैगलाइन है ये अभी तक सिर्फ पेपर में ही दर्ज है हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई है और इसके पीछे की वजह क्या है ये सरकार शायद खुद ब खुद जानती है या सरकार को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के ठीक नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात होती है और उसी अभियान के तहत राम भतेरी जागरूक भी करती हैं। एक बेटी अभियान का हिस्सा बन रही है लेकिन वो अभियान कितना कारगर हो रहा है उस बेटी की कामयाबी के सफ़र में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं नौकरी को लेकर उसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कबड्डी में समेर गांव की उपलब्धियों का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दलबीर सिंह नाम का एक ऐसा शख्स जो इसी गाँव की मिट्टी में कभी कबड्डी खेला करता था आज अमेरिका में कबड्डी कोच के तौर पर कार्यरत है। तो बात आज राम भतेरी की कर रहे हैं कबड्डी की प्लेयर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राम भतेरी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसे हरियाणा और पंजाब की एक विशेष पहचान माना जाता है और उसमें आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? सर पहले मतलब मेरे राजवीर कोच है जो सीमेंट से है और एक दलबीर सर अपने जो अमेरिका जा रहे हैं उन्होंने हमें पहले गांव में लड़के को कबड्डी नहीं खिलाया जाता सी। सर की वाइफ थी वो पंजाब की सी वो खेलना चाहती थी कबड्डी मतलब अपने गांव वाले लोग ने कबड्डी नहीं खेलने दी सी पर सर एक लिए प्रैक्टिस कराते थे उसके बाद सर ने मतलब वही च्वाइस थी कि मेरे गांव की लड़कियां कबड्डी खेलने और आगे बढ़े ज्यादातर जाओ। अच्छा कौन सी उम्र रही होगी कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपको कबड्डी में? 10th क्लास में थी। 10वीं में थी। हाँ जी। आपने घर में बताया कि आपको कबड्डी खेलनी है। हाँ जी। फिर क्या रिएक्शन था घर वालों का? घर वाले क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे भाई मतलब अपनी गेम करो तो बढ़िया तरीके से करो। अच्छा। नहीं फिर अपने कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है जिस मेरी शक्ल है तो बढ़िया ही गेम करके दिखाई अपने। घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? हाँ जी। अभी आप स्कूल में पढ़ रही कॉलेज में पढ़ रही? नहीं सर मैं बीए फाइनल कर रही हूं। बीपीएड कर रही हूं। टीचिंग में हाँ उसमें टीचिंग भी करना चाहती हैं आप? हाँ जी सर। ओके कबड्डी में आगे करियर देखती हैं आप अपना? हाँ जी सर मैं NIS करके मतलब कोचिंग कोच लगना चाहती हूँ कॉलेज। अच्छा। में कॉलेज में कोच हाँ लगना चाहती हैं इसी में कबड्डी? हाँ जी कबड्डी की हाँ कोच। अच्छा अच्छा कुछ ऐसे इवेंट्स बताओ राम भतेरी जो आपको अब तक सबसे ज़्यादा याद हों कितना चैलेंजिंग होता है? रेसलिंग होगी सर कबड्डी जैसे ही गेम है रेसलिंग। हाँ। बॉक्सिंग गेम भी बढ़िया है। हाँ। मतलब एक मतलब अलग गेम भी करना सबसे बेहतरीन है कबड्डी से। हाँ। कबड्डी तो है ही इवेंट्स गेम तो अलग से अपनी पहचान बनाने के लिए अलग गेम करना चाहिए जैसे कबड्डी कुश्ती बॉक्सिंग। ये जैसे आपने नाम लिया रेसलिंग का बॉक्सिंग का ये बहुत बड़े फेमस गेम हो गए हैं है ना हालांकि अब सब जगह लीग शुरू हो गई कबड्डी की भी लीग शुरू हुई है लेकिन कबड्डी को उतनी पॉपुलैरिटी अभी भी नहीं मिल पाए जिस तरह का एक देसी अंदाज में ये खेला जाता है मिट्टी में जैसा अभी आप प्रैक्टिस कर रहे थे
उस तरह की इसको पॉपुलैरिटी शायद अभी मिली नहीं, आपको नहीं, लगता है ऐसा? नहीं सर। कैसे मिले, आप चाहती हैं कि इसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए? हाँ, जैसे कि बॉक्सिंग, मतलब कोई भी एथलेटिक्स गेम हो गए, रेसलिंग होगी, कुश्ती होगी, जिन्होंने इन्होंने अपना मतलब प्रॉपर एक तरह की मतलब स्पोर्ट्स मिली हुई है, मतलब जो भी है इन गेमों का ज़्यादातर महत्व है, ऐसे ही कबड्डी का भी होना चाहिए। कबड्डी में भी होना चाहिए। हाँ जी। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे आप कबड्डी में? हाँ जी सर। रामपति, हम आपके घर पे गए, हमने आपके परिजनों से बात की, हमने आपके बारे में पढ़ा भी कि आप नौकरी के लिए भी आप डिमांड कर रही हैं, या आप जो आपने खिताब जीता है दो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट आपने किया जिसमें टीम जीती है, उसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली है, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहती हैं आप, क्या आपकी डिमांड क्या, वाकई में आप भी चाहती हैं कि आपको नौकरी मिले? मतलब सरकार से आशा है कि मुझे मतलब मुझे नहीं, जो भी लड़कियां वर्ल्ड कप खेल के आई हैं उन्हें नौकरी मिले, जे मतलब अपने नौकरी मिलेगी मतलब और भी लड़कियां आगे बढ़ेगी, मतलब गेम करेगी, अब तक तो मिलने सर से मतलब सरकार से आशा है कि हमें नौकरी मिले। इससे पहले गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने या फिर मंत्री ने आपसे बात की थी? नीलवीर से मिली थी, उन्होंने मना कर दिया सी, फिर मतलब कोर्ट केस करा सी, फिर दोबारा फिर मतलब अपने DSO सुबे सिंह सर फतेहाबाद की। कबड्डी को लेकर कितनी तैयारी अभी होनी बाकी है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? आप चूँकि उस टीम का एक वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। जो अपने कबड्डी गेम है सर वो इंटरनेशनल तक, मतलब उम्मीद करती हूँ कि सरकार उसे ओलंपिक तक लेके जाए और इसको मतलब एक तरफ से सरकार पूरी सहयोग दे, जैसे कि रेसलिंग बॉक्सिंग को एक सरकार ने सहयोग दिया, मतलब इस कबड्डी को भी एक लक्ष्य बनाए कि मतलब जो भी प्लेयर इंटरनेशनल है ओलंपिक खेल के आए उसको मतलब सरकार की तरफ से सहयोग मिले, कि जॉब मिले, या गरीब घर से हो या कुछ अमीर घर से हो, जॉब मिलनी चाहिए। हाँ जी सर। अच्छा रामपतिरी, कॉमनवेल्थ में भी ये गेम पहले रहा है लेकिन अब ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहा, नहीं सर, उसको निकाल दिया गया। हाँ जी सर। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कॉमनवेल्थ में भी उसको शुमार किया जाना चाहिए? जैसे कि मतलब एथलेटिक्स गेम है, रेसलिंग कुश्ती है, मतलब एक कबड्डी भी कुश्ती जैसा ही गेम है, इसको भी कॉमनवेल्थ में भी मतलब पहले था सहयोग इसका, अब मतलब निकाल दिया है, 6-7 गेम हो गया, ऐसे कि रेसलिंग और कबड्डी में कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब थोड़ा घना डिफेंस होगा, इस करके कह रहे हैं कि कबड्डी को भी कॉमनवेल्थ गेम मिलना चाहिए। हाँ जी सर। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बात करूँ, यहाँ से तकरीबन 4 खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रही हैं, हाँ, आपके अलावा हाँ, 3 और ऐसी खिलाड़ियाँ हैं जो उस टीम में शामिल थी। हाँ जी, मतलब यहाँ से आधी टीम जो है वो आपकी समीर से ही निकलती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या सरकार कबड्डी को लेकर कोच मुहैया करा रही है या फिर और चीज़ें जो देनी चाहिए वो मिल रही है क्या? ज़्यादातर सर हरियाणा सरकार से नहीं है इतना मतलब सहयोग जितना पंजाब सरकार कर रही है प्लेयरों के लिए, अपने हरियाणा से ज़्यादा पंजाब सरकार के मतलब पंजाब के प्लेयर ज़्यादा है कि हरियाणा के कम है, क्योंकि सरकार की तरफ से सहयोग कम मिल रहा है इस करके। एक आखिरी सवाल है रामपति आपसे, आप एक खुद लड़की हैं, एक बेटी हैं, और इस प्रदेश में हमने देखा है कि बेटियों के साथ कितना अत्याचार होता है, बेटी को कोख में भी मार दिया जाता है, लेकिन आप एक ऐसी बेटी का एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक बेटे से भी बढ़कर काम किया है, अपने घर का नाम रोशन किया, प्रदेश का, आप कबड्डी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहीं, बेस्ट लीडर का अवार्ड आपने जीता, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस सोसाइटी के लिए, सरकार की हम बात नहीं कर रहे, उस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जहां बेटियों को लेकर अभी भी सोच पिछड़ी हुई? जैसे मतलब सर किसी की मतलब एक दो लड़की हो जाए, मतलब पिता का उसमें मतलब भ्रूण हत्या करावा, पिता का कोई हाथ नहीं होता, मतलब माता का ज़्यादातर हाथ होता है, एक लेडीज ने एक लेडीज ही कत्ल करा रही है, इस करके वो समझ नहीं रही अब तक, मतलब अपनी बेटी मतलब आगे जाके भी मतलब माँ बनेगी, मतलब कुछ करेगी अपना शरीर, अरे बेटी ही ऐसा जो कि अपने माता पिता की सेवा ज़्यादातर करे। राम भतेरी की नाराजगी सरकार से है, उन्हें दुख है कि उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। सिर्फ राम भतेरी ही नहीं बल्कि उनके जैसी दूसरी और खिलाड़ी भी हैं, जो भारतीय टीम के लिए तो खेलती हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। कई सारे लोग हैं जो अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं और यहाँ के खिलाड़ियों को और अच्छे से तराश रहे हैं। जोरा सिंह उनमें से एक है, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की संस्था जिसके वो संस्थापक हैं। जोरा सिंह जी, स्वागत है आपका। जी क्या लगता है जब इस तरह के एक छोटे से गांव में इतने सारे खिलाड़ियों की पौध तैयार होती है, वो भी कबड्डी जैसे खेल में जिसके लिए हरियाणा और पंजाब विशेष तौर पर जाने जाते हैं? यहाँ पे जी हम सालाना टूर्नामेंट कराते हैं,
यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी से खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। और हमारे गांव की जो बहुत ही बढ़िया, पहले भी हरियाणा पंजाब में एक नामी ग्रामी टीम रही है जी, सुमैन गांव से, जिसके तहत हर सालाना एक दो नवा बच्चा निकलता है हमारा। उसका रिजल्ट आप देखने आज देख रहे हैं, जो भी आया हुआ है। तो यहाँ जो भी बाहर से खिलाड़ी आते हैं उनसे हमारे को कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे पंजाब से खेलने के लिए खिलाड़ी आए हैं, उनसे भी हमें कुछ सीख मिलती है सालाना। गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि अंतोगत्वा सरकार को ही करना है, खेल नीति के अधीन में ही सारे गेम है, और क्या अनदेखी हुई है? देखो जी, जो हमारे बच्चे वर्ल्ड कप खेल के आए हैं उनके साथ अनदेखी हुई है, पर सरकार ये कह रही है वे करेंगे, आश्वासन हमारे को अच्छा मिल रहा है, पर रिजल्ट कोई नहीं आया अभी तक। क्या आप डिमांड करते हैं? आप हम चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, अच्छी प्रेफरेंस में देते हैं, उनको तो जो मिलना चाहिए। मिकी जी, आप बताएं कि आप खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर आप भी कई इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, कई सारे टूर्नामेंट्स आप भी कराते हैं, यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं, क्या वो जितनी प्रतिभाएँ अभी तक निकली हैं कबड्डी में, क्या इससे ज़्यादा ये प्रतिभा निकल सकती हैं? अगर निकल सकती है तो फिर कहाँ पे पेच फंस रहा है? जो निकली हैं, जिन बच्चों ने आगे, अगर हमारे गांव समैण की बात करें, यहाँ से प्लेयर भारत का नेतृत्व करके और यहाँ की लड़कियों ने जो परचम लहराया है, बेस्ट रेडर जो है कबड्डी के बारे में, तो बेस्ट रेडर सबसे बड़ा खिताब होता है, वो लगातार पिछले दोनों टूर्नामेंट में हमारी लड़कियाँ लेके आई हैं, लेकिन वो लेके आई हैं अपने दम पर, अपने बल पर। उनको किसी प्रकार का किसी भी संस्था द्वारा, गाँव को अगर छोड़ दें, आप समैण गांव को छोड़ दें, तो किसी दूसरे गांव से या किसी दूसरी संस्था से कोई सहयोग नहीं मिला। जहां तक सरकार की बात करें, सरकार को चाहिए, क्योंकि आज अगर आप ओलंपिक में बात करें तो हरियाणा के प्लेयर सबसे ज़्यादा निकलते हैं, और हरियाणा के प्लेयर भी गांव से, क्योंकि हरियाणा के प्लेयर काफ़ी दमदार हैं। मैं हूँ तो अगर सरकार हरियाणा के इन गाँव की ओर, प्लेयरों की ओर ध्यान दे, इनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दे, जैसा कि अभी आपको पता लगा यहाँ घूमा है तो कोच नहीं है कबड्डी के लिए, जबकि कोच बड़ा नेसेसरी है। कुछ नए रूल ऑफ रेगुलेशन आते हैं जिनके बारे में शायद पुराने कोचेज नहीं जानते, उनके बारे में बच्चों को तैयार किया जाए, रेसलिंग के बारे में तैयार किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि जो आज जहां ये पहुंचे हैं वो अपने बल पर पहुंचे हैं, अगर सरकार का या किसी दूसरी संस्था का सहयोग होता तो आज हमारे बच्चे जहाँ आज दो या तीन कबड्डी की टीमें खेलें, तो मैं समझता हूँ हमारे इस छोटे से क्षेत्र से पांच छह प्लेयर ऐसे थे जो जा सकते थे, जो प्रतिभाएं किसी की अनदेखी का शिकार हुए, बहुत सारी हैं। हमने ये प्रतिभाएं देख ली जो आगे आई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिला, कोई फाउंडेशन नहीं मिला कि वो आगे जाकर निकल सके। हमारे साथ इस वक्त राम भतेरी के कोच, कबड्डी के कोच इस गाँव के, राजवीर जी साथ में हैं। राजवीर जी, वजह क्या है, यहाँ पर कई सारे खिलाड़ी कबड्डी में बहुत आगे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की टीम अगर हिस्सा लेती है इंडिया की, तो उसमें से तीन खिलाड़ी तो समैण, माफ कीजिए, चार खिलाड़ी तो समैण गांव से ही। वजह क्या है? वजह जी इनकी मेहनत है जी, जो सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को भी 4 बजे आते हैं, 8 बजे लग मेहनत करते हैं। इस गांव में शुरू से ही खेलों में शौक रहा है, और खेलों चाहे इंडिया की टीम हो चाहे हरियाणा की टीम हो, उसमें 4-5 सदस्य समैण गांव के खेलते ही हैं। वो गांव का शौक की वजह ले, गांव के शुरू से ही खेलों में बहुत भाग रहा है, इसीलिए इस गांव की ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं। अच्छा, खिलाड़ियों को क्या वो सम्मान मिल पाता है? नहीं जी, जीतने के बाद जी गांव की तरफ से तो बहुत सम्मान मिलता है जी, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से तो वादे ही मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता जी। राम भतेरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी, उनके लिए भी नौकरी की डिमांड की जा रही है। नौकरी तो चारों खिलाड़ियों के लिए कही है जी, लेकिन कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा जी। जैसे खिलाड़ी कई तो गांव की यही कहती हैं जी, लड़कियां क्या क्या करो, खिला के क्या मिलेगा, ये यही गोबर गेड़ेंगी, गांव को लोग बोलते हैं। हम फिर भी हमारे जो प्रदेश है उससे आशा करते हैं भी ये खिलाड़ियाँ जो इन मेहनत करें इनका फल मिले, आगे भी माँ बाप ये सोचे हुए हम भी अपनी लड़कियों को खिलाएं और बहुत बड़ी राम तेरी जैसी सुमन जैसी प्लेयर बने। लेकिन सरकार का एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दो समैन के अंदर दो बेस्ट रेडर, दो स्टॉपर, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अच्छा पांवी जी, ये बताएं कि अगर हम खेल के बारे में बात करें, बेस्ट लीडर का अवार्ड राम भतेरी को मिला है दो वर्ल्ड कप में 2013-14, कैसा परफॉर्म करते हैं जब आप सिखाते हैं, कैसा रहता है इनके साथ, कैसा अनुभव है आपका?
बहुत माँ ये शुरू से ही बहुत मेहनत करती थी जी। इसने अपने आप पर मेरे को भी एक नहीं मेरे दोनों रेडरों पर मैंने बहुत विश्वास था भी एक तो मेरे खिताब जरूर जीतेगी। दोनों में से एक मेरी एक वो भी बेस्ट रेडर के बराबर बराबर में रेड मारी लेकिन बतेरी सबसे अच्छा खेली और सारों गाँव में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जगह जगह इसकी होल्डिंगें लगी। गाँव में तो दिवाली जैसा माहौल था। उतनी लड़कियाँ जीत के आई और बेस्ट रेडर निकली। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को अपनी तरफ से? आप एक कोच हैं, आप एक गुरु की भूमिका में इन लोगों के लिए आपका फ़र्ज ये बनता है कि आप इनको तमाम सारी चीज़ें सिखा सकें जिसके ये हकदार हैं और वो अच्छा परफॉर्म करें तो उनको उतना अच्छा प्राइज़ भी मिले। मेरे तो प्राइज़ भी यही है जी, इनकी मेहनत का फल भी यही है। ये गरीब परिवार से है, सुमन के तो एक किला इसके डेढ़ किला जी। इनके पिताजी है तो नहीं इसको बड़े घर में रिश्ता कर देंगे। ये तो आश करते हैं इनको बढ़िया नौकरी मिले, इनका बढ़िया रिश्ता होए। मेरी मेहनत का भी यही फल है, मेरी लड़कियाँ आगे बढ़े और देश का नाम ऊँचा करे। मैं तो खेल मंत्री से हमारे खेल मंत्री है जो सुभाष बराल प्रदेश, उनसे भी यही आशा करता हूँ। अभी लगता भाई लड़कियों को नौकरी जरूर देंगे खेल नीति के तहत। चलिए आपकी उम्मीद है। हाँ जी ठीक है। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू आप भी कबड्डी में खेलती हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आप, कब से आप कबड्डी खेल रही हैं? 2011 से खेल रही हैं। वर्ल्ड कप पे आपने हिस्सा लिया? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बढ़िया था। हाँ जी। कुछ सीखने को भी मिला? हाँ जी, सीखने को तो मिलता है जितने ऊंचे लेवल पे खेलते हैं तो। अच्छा, अभी आप स्कूल कॉलेज पास कर चुके हैं? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? कौन से ईयर में? बीए फाइनल। फाइनल ईयर में। रेनू ये बताएं कि आपने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड कप में आप जीती, टीम इंडिया जीत के आई, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियत मिली? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई वो नहीं मिला। आप क्या डिमांड करती हैं गवर्नमेंट? हम जॉब के लिए डिमांड करते हैं कि हमें खेल नीति के उस पर जॉब दी जाए। हम गांव के चार प्लेयर खेल रहे हैं, दो कैचर दो रेडर। हम चाहते हैं कि चारों को हमें जॉब दी जाए, चारों को जॉब मिले। हमारे साथ एक और यहाँ पर प्लेयर हैं, अपना नाम बताइए। सुमन गिल्ली। सुमन, आपको कैचर माना जाता है सबसे बढ़िया? ना जी, स्टॉपर रेडर। रेडर, आप भी रेडर हैं। अच्छा सुमन, ये बताओ कि आपने भी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, वर्ल्ड कप आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। 2013 चार खिलाड़ी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने गई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप बढ़िया रहे जी, अब बढ़िया मैच लग गए। आगे खेलना चाहती हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी गवर्नमेंट सरकार से, क्या कहेंगी, क्या क्या डिमांड है सरकार? तो डिमांड है कि नौकरी मिल जाए जी। कई सालों को माने 6-7 सालों को जी खेल रहे, अब तक कोई सहयोग नहीं मिले सरकार की तरफ से जी। हम तो यही चाहूँगी जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए और अपना नौकरी। एक बात इस गांव में आकर के ये जानने का मौका मिला है कि कबड्डी की का खजाना यहां पर है और एक से एक बढ़कर खिलाड़ी यहां पर हैं। ज़रूरत है इन खिलाड़ियों को उनके सम्मान देने की, उचित सम्मान देने की और वो प्रोत्साहन देने की जिनकी वो हकदार हैं। नंबर एक, कोचेस की यहां पर कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पर कमी है। कबड्डी के खेल में अगर एक गांव से वर्ल्ड कप की टीम में चार खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं तो एक बहुत गौरव की बात है, हरियाणा के लिए एक सम्मान की बात है, एक गौरवपूर्ण पल की बात है। लेकिन गवर्नमेंट उस पल को, गवर्नमेंट उस बात पर कितना जोर दे रही है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर ये गाँव ज़ीरो नंबर पर है जहाँ से चार खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी की निकल रही हैं। और दूसरा, जो डिमांड नौकरी की जो बात हो रही है, किसी भी खिलाड़ी को वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है, जिनमें से नौकरी पाना एक है। तो फिलहाल खेल हरियाणा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक खेल जगत की नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।